करता हूँ BPH बिल्डर्स के अंदर एक नई वीडियो के साथ आपके लिए फ्लैट लेके आ गया हूँ मैं। 3 BHK का फ्लैट लेके आया हूँ रामा पार्क लोकेशन के अंदर। इंडिपेंडेंट फ्लैट आपके लिए लेके आ गया हूँ। 100 गज का ये फ्लैट रहने वाला है, बहुत ही बढ़िया लोकेशन में। फ्रंट रोड की बात करूँ इसमें आपको 25 फुट की इसकी फ्रंट रोड मिलने वाली है, जो कि बहुत ही अच्छी लोकेलिटी आपको मिलने वाली है। ग्रोसरी मार्केट नियर बाय मिलने वाली है, बढ़िया लिफ्ट कार पार्किंग के साथ आपको 97% आपको करा के दे सकते हैं। LIS अप्रूव बिल्डिंग रहने वाली है। और सबसे बढ़िया बात बताऊँ इस फ्लैट की, तो भाई बात करूंगा लोकेशन की, तो हॉस्पिटल स्कूल्स वगैरह जितनी भी आपकी बेसिक फैसिलिटी सारी रहती है। 300 से 400 मीटर की दूरी पर आपको सब कुछ मिलने वाला है। गैस पाइपलाइन, समर सीवर का पानी, दिल्ली जल बोर्ड का पानी दोनों आपको मिलने वाले हैं। BHS की बिजली आपको यहाँ पे मिलने वाली है। शुरू करते हैं इस फ्लैट में आपको मिलने वाला है इसका लिविंग एरिया, जो कि बहुत ही स्पेशल लिविंग एरिया रहने वाला है। आप देख ही सकते हो लिविंग एरिया में कितना स्पेशल आपको यहाँ पे लिविंग एरिया देखने को मिलने वाला है। फ्लोरिंग की बात करूँ काफी अच्छी ग्रे कलर के अंदर आपको नीचे टाइल वर्क मिल जाता है फ्लोरिंग के ऊपर। अब बात करेंगे, हर फ्लैट में हमने देखा होगा वॉलपेपरिंग वर्क मिलता है पूरी वॉल के ऊपर। इस बार जो हमने चेंज करके आपको बहुत ही अच्छा डिसेंट वर्क करा के दिया POP का, POP से हमने डिजाइन बना रखा है वॉल के ऊपर। आप देख सकते हो कितना डिसेंट वॉल पेपर की जगह हमने आपको है सिंपल POP का वर्क करा के दे दिया, जो कि बहुत ही इनहेंस कर रहा है हमारे लिविंग एरिया को। उसमें पट्टी का वर्क मिल जाता है POP का, उसमें आपको ग्रे कलर का पेंट मिलने वाला है। पीछे आपको पूरा मिल जाता है व्हाइट वॉश, जो कि बहुत ही बेहतरीन लग रहा है हमारे लिविंग एरिया में। और यहाँ पे हमने आपको पूरा स्पेस दे रखा है अपना L-टाइप या U-टाइप सोफा, इजी आप प्लेस कर सकते हो। उसके बाद भी आपका काफी स्पेस यहाँ पे आपका बच जाएगा, आपकी सेंटर टेबल आ जाएगी। और इस तरफ आपको किचन में आपके मिलने वाले सामने, उसके सामने आपको मिल जाएगा आपका डाइनिंग स्पेस, तो अपना डाइनिंग भी आप प्लेस कर सकते हो। और स्प्लिट AC की फिटिंग हमें आपको करा के दे रहे हैं। लिविंग एरिया मैंने आपको दिखा दिया, बात करेंगे इसकी फॉल सीलिंग की। लिविंग एरिया की फॉल सीलिंग भी आप देखते हो तो कितना ही जो बेहतरीन है, आपको फॉल सीलिंग पर वर्क करा के दे रहेगा। काफी अच्छी फिनिशिंग के साथ आपको सीलिंग मिलने वाली है। बीच में काफी अच्छा शैंडलियर हमने आपको प्लेस करके दे रहे हैं, देख सकते हैं बहुत बढ़िया शैंडलियर रहने वाला है। दोनों तरफ आपको ब्रांडेड फैन मिल जाते हैं ओरिएंट के व्हाइट कलर के अंदर। और सीलिंग का वर्क जैसे कॉप लाइट और कंसल लाइट का वर्क देखने को मिलने वाला, तो बहुत ही बढ़िया सीलिंग भी मिल जाती है। इस तरफ हमने आपको एक लैंप भी प्लेस करके दे रखा है। और एक चीज मैंने एंट्रेंस में आपको बताना बोली हो तो आपको दिखाता हूँ, इंटरकॉम पे नीचे आपको यहाँ पे स्क्रीन भी मिल जाती है। आपका कोई भी आता है तो आप यहाँ से आपको उसको देख सकते हो नीचे, फिर अपना आप गेट खोल सकते हो। अब बात करेंगे सामने तरफ आपको मिल जाता है हमारा TV कैबिनेट लिविंग एरिया में। टीवी कैबिनेट भी काफी अच्छा बना के दे रखा है। आप साइड में पार्टीशन देख सकते हो हमारे किचन के साथ, आपको हमने पार्टीशन दे रखी है नॉर्मल, जो है ना बहुत भगवान जैसे हमने मूर्ति रखी है, कुछ भी सीनरी आप यहाँ पे डेकोरेटेड आइटम्स रख सकते हो हमारे फ्लैट को और बेहतरीन बनाने के लिए। तो जरा आपका 50 से 60 से 70 इंच का LCD इसी प्लेस हो जाएगा। और यहाँ पे आपको मिरर वर्क मिल जाता है, पीछे आपको मिलने वाला है इसका कॉपर लाइट का वर्क, तो यहाँ पे आपको कॉपर ग्लास देखने को मिलने वाला है। अब बात करेंगे नीचे भी आपको स्पेस मिल जाता है हमारा सामान वगैरह रखने के लिए, तो बहुत अच्छा वर्क मिल जाता है पूरे फ्लैट के अंदर। कोई दिक्कत नहीं रहने वाली सामान रखने का भी, और मेहमान को भी बुलाओ ना भाई बहुत खुश होने वाले आके। ऐसा फ्लैट आपको मॉडल किचन में, तो मेरी माता और बहनों को बहुत इंतजार होगा किचन का, क्योंकि सारा काम तो वही करती है। तो भाई देख सकते हो ये रहने वाली है इसकी मॉडुलर किचन, ओपन किचन रहने वाली है। कितनी स्पेसेबल मिल जाती है आपको जस्ट लिविंग के सामने। इसके सामने आपका आएगा डाइनिंग टेबल, यहीं से बनाओ, यहाँ सारी फैमिली के साथ बैठो और खाओ। तो देख सकते हो भाई स्लैब टाइल की बात करूँ ग्रे कलर के अंदर L-टाइप में पूरी स्लैब हमने आपको बना के दे रखी है। आप देख सकते हो कितना बढ़िया मार्बल का यहाँ पे यूज किया गया। और बात करूँ साउंड प्रूफ शिंग हमने आपको लगा के दे रखी है। सारी ब्रास की फिटिंग आपको कंपनी की मिलने वाली है। और पानी देख सकते हो भाई किस स्पीड में पानी आता है, तो कोई दिक्कत भी नहीं रहने वाली। और बात करूँगा इसके कैबिनेट्स की, तो हाइड्रोलिक कैबिनेट यहाँ पे आपको मिलने वाला है। देख सकते हो कितना बढ़िया खुद खुलते हैं भाई, ये हल्का सा झटका मारना है बस, सारा ग्रोसरी का सामान जितना भी आपके मसाले के डब्बे जो भी रहने वाला इजिली आपके सारे आ जाएगा। सेंसर चिमनिया में आपको प्लेस करके दे रखी है, हाथ से यू करो ऑन, यहाँ से करो ऑफ, बहुत बढ़िया चीज मिलने वाली है। कोई देखेगा ना, कोई बंदा भी आएगा ना, मेहमान भी कोई भी आएगा देखेगा भाई एक नंबर चीज लगा रखी है। और यहाँ पे आपको हाइड्रोलिक मिल जाता है, आप देख सकते हो इजिली आपको यहाँ पूरा खुल जाएगा, इजिली आपको आप बंद भी कर सकते हो। पूरे हाइड्रोलिक कैबिनेट यहाँ पे आपको मिलने वाले काफी स्पेशल। इस तरफ भी आपको जो है हाइड्रोलिक्स मिलने वाला है, इधर भी हाइड्रोलिक मिल जाता है और इधर भी आपको हाइड्रोलिक मिलने वाला है। चिमनी का स्पेशल मैं आपको लगा के दे ही रखा है, चिमनी भी आपको हम देने वाले हैं। इधर बात करूंगा कैबिनेट की, इधर हमने RO का स्पेस आपको दे रखा है, इसमें हम आपको RO लगा के देने वाले हैं, ठीक है भाई। और इधर आप देख सकते हो कितना स्पेशल कैबिनेट रहने वाला है, कैबिनेट देख लो एक बार कितना स्पेशल रहने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। इतनी बढ़िया आपको मॉडल किचन बना के दे दिए। नीचे इस तरफ आपको देखो कितने पॉइंट दे दिए, यहाँ पे कुछ भी चलाना हो लगा सकते हो, यहाँ पे आपको कुछ अपना यूज करना हो लगा सकते हो, मिक्सी वगैरह कुछ भी, सारे पॉइंट्स यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। अब नीचे बात करूंगा पेंट्रीज वगैरह की, चम्मच के लिए अलग से आपको दे रखे, एक बार देखो आगे तो चम्मच के लिए दिखाओ भाई एक बार, मॉडल किचन में कितना बढ़िया वर्क आपको करा के दे रखा है। पूरी पेंट्रीज हमने अलग से बना के दे रखी है, नीचे आपको स्पेस मिल जाता है हमारा कुछ रखने के लिए, और आपको यहाँ पे प्लेट्स के लिए भी स्पेस मिल जाता है। तो भाई पूरी मॉडल किचन रहने वाली है, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली, एक नंबर वर्क आपको पूरे से हमने किचन में करा के दे रखा है। फ्रिज का स्पेस हमने आपको सेपरेट पूरा दे रखा है पॉइंट के साथ, फ्रिज लगा के अपना पॉइंट लगाओ यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली।
और यहाँ पे आपको व्हाइट कलर के अंदर पूरा टाइल वर्क मिल जाता है, और यहाँ पे आपको मिल जाता है गोल्डन शीट्स का वर्क, ये पट्टी खींच रखी है गोल्डन कलर की थोड़ी और बढ़िया बनाने के लिए। सीलिंग आप देखिए, तो सिंपल सीलिंग हमने आपको यहाँ पे दे रखे है, कॉमन सी बिल्कुल कंसल लाइट और कोपलाइट का वर्क यहाँ भी। मॉडुलर किचन आप देख सकते हो कितना बढ़िया वर्क आपको मिलने वाला है। अब साथ में मिलने वाला है हमारा फर्स्ट बेडरूम, तो चलते हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम में। और एक चीज और बता दूं, दोनों रूम से आपको फ्रंट में मिलने वाले हैं, दोनों बालकनी से आपको अटैच मिलने वाले हैं। स्पेस आप देख सकते हो कितना स्पेसेबल आपको फर्स्ट बेडरूम मिलने वाला है। फ्लोरिंग की बात करूँ, काफी अच्छी फ्लोरिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। पीछे आपको वॉल पेपिंग वर्क मिल जाता है जो कि फ्लोरिंग से काफी मैच करता है, आपको कलर मिल जाता है। बहुत बढ़िया डिसेंट वॉल पेपर लगा के दे रखा है, एक लैंप हमने आपको प्लेस करके दे रखा है जो कि बहुत ही यूनिक लग रहा है। और सामने तरफ बात करूँ उसकी टीवी कैबिनेट की, तो भाई ये चीज मेरे को बहुत अच्छी लगती है। आप देख सकते हो पीछे से आपको कॉप लाइट का वर्क लगा के दे रखा है ना, जो कि बहुत ही नैस और बहुत ही अलग सी लुक देती है बिल्कुल हमारे टीवी कैबिनेट को। काफी स्पेशल टीवी कैबिनेट मिलने वाला है आपको, व्हाइट एंड ग्रे कलर के अंदर काफी अच्छी कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं हमने आपको टीवी कैबिनेट बना के दे रखा है। और यहाँ पर हमने आपको स्पेस दे रखा हमारा सामान वगैरह रखने के लिए, जैसे टीवी के सेटअप बॉक्स वगैरह कुछ भी रखना हो यहाँ पे आप रख सकते हो। पॉइंट्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं नीचे, इस तरह आपको पूरा पॉइंट दे रखे है। और बात करूँ वहाँ यहाँ पे एक आपको वार्डरोब बना के दे रखे हमने, आप देख सकते हो भाई कितनी स्पेशल मीरा दे रखी है, हमने ग्लोव दे रखे हैं भाई, ठीक है भाई। आप लोग खजाना रखना हो तो यहाँ रख सकते हो। और ये देखो भाई इधर भी आपको मीरा हमने बना के दे रखी है, अंदर भी आपको ड्रॉर्स मिलने वाले हैं, बहुत ही बढ़िया मीरा मिल जाती है। और यहाँ बात करूँ क्या लुक आने वाली है भाई, यहाँ अपना बेड लगा के बढ़िया सर्दी के मौसम में, मतलब बारिश के मौसम में चाय पियो, शीशे में पूरी बूंदे आएगी। आप देखो पूरा ये बढ़िया वर्क एकदम वेंटिलेशन के लिए, और बढ़िया व्यू मिल जाता है, पूरी विंडोज मिलने वाली है, और यहाँ पे आपको विंडोज का स्पेस भी मिलने वाला है। और यहाँ पे आपको बात करूँ सीलिंग की, तो सीलिंग आप देख सकते हो कोपलाइट और कंसल लाइट का वर्क, और सीलिंग का डिजाइन भी देख सकते हो कितना बढ़िया मैं आपको करा के दे रखा है। अब चलते हैं इसके सेकंड बेडरूम में, सेकंड बेडरूम ये आपको भी देख सकते हो पूरा बढ़िया बेडरूम आपको बना के दे रखा है। फ्लोरिंग की बात करूँ, वुडन लुक फ्लोरिंग यहाँ पे आपको मिलने वाली है, आप देख सकते हो कितनी बढ़िया फ्लोरिंग करा के दे रखी है। इधर आप वॉल पेपरिंग वर्क देख सकते हो, यहाँ पे आपको बहुत बढ़िया वॉल पेपर लगा के दे दिया भाई, चमकीला शाइनिंग आ रही है वॉल पेपर में। यहाँ पे आपको लैंप प्लेस करके दे रखा है। अब बात करूंगा सेम चीज यहाँ पे आपको टीवी कैबिनेट देख सकते हो भाई, कितना बढ़िया टीवी कैबिनेट मिलने वाला भाई। पीछे कॉपलाइट का वर्क मिल जाता है येलो कलर के अंदर, और एक डिसेंट सा आपको टीवी कैबिनेट हमने आपको बना के दे रखा है। नीचे आपको स्पेस मिलने वाला है हमारा रिमोट वगैरह कुछ भी सामान रखना रखने के लिए, और यहाँ पे आपको पॉइंट्स मिल जाता है हमारे टीवी के लिए। अब बात करूंगा इसकी सीलिंग की, तो सीलिंग आप देख सकते हो कितनी बढ़िया सीलिंग हमने आपको बना के दे रखी है, कॉपलाइट और कंसल लाइट का वर्क मिल जाता है। और बात करेंगे यहाँ भी आपको एक वॉर्डरोब मिलने वाली है, तो भाई स्पेस की कोई दिक्कत नहीं आने वाली, स्पेसेबल फ्लैट रहने वाला है, बहुत बढ़िया फ्लैट रहने वाला है, एक नंबर लोकेशन में मिलने वाला है, द्वारका मोड मेट्रो स्टेशन से बिल्कुल नियर बाय भाई, बहुत बढ़िया वॉशरूम भी। तो अटैच वॉशरूम देख लो भाई कितना स्पेसेबल अटैच वॉशरूम मिलने वाला है, वो लाएंगी सीट हमने आपको यहाँ पे लगा के दे रखी है। और टाइल की बात करूँ तो देखो भाई कितना डिसेंट सा कलर हमने यूज कर रखा है, आपको मैट के अंदर आप टाइल देख सकते हो भाई, बहुत बढ़िया सारी ब्रास की फिटिंग कंपनी की मिल जाती है। सीलिंग आपको नॉर्मल मिलने वाली है, और बात करूँ वेंटिलेशन के लिए आपको बालकनी से अटैच पूरा आपको स्पेस भी दे रखा है, तो यहाँ से आप वेंटिलेशन रख सकते हो प्रॉपर। अब बात करूंगा यहाँ पे आपको जो विंडो एसी का स्पेस दे रखा है हमने, बालकनी में आपको मिल जाता है विंडो एसी का स्पेस, और वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर विंडो यहाँ पे आपको मिल जाती है। अब चलते हैं इसके थर्ड बेडरूम में, चलते हैं इसके थर्ड बेडरूम में भाई। थर्ड बेडरूम में जाने से पहले दिखाता हूँ इसका कॉमन वॉशरूम जो कि लिविंग के साथ मिलने वाला है आपको, तो ये रहने वाला है इसका कॉमन वॉशरूम। स्पेस आप देख सकते हो, और फ्लोरिंग देखो भाई कितनी ड्राई फ्लोरिंग आपको, टाइल आपको लगा के दे रखा है, ऐसा लग रहा है मैट हमने आपको लगा के दे रखा है, और ये टाइल है जो कि बहुत बढ़िया रहने वाली है। वो लाएंगे सीट हमने आपको प्लेस करके दे रखी है, वो शीशन आप देख सकते हो कितना बढ़िया आपको हमने लगा के दे रखा है। यहाँ पर टाइल वर्क आप देख सकते हो, हमने आपको जो पूरा बाथरूम है हमने शावर वावर भी आपको लगा के दे रखा है। वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ से पोर्शन मिल जाता है, आप देख सकते हो बिल्कुल सफोकेशन नहीं रहने वाली। और सीलिंग में आपको मिलने वाली है नॉर्मल कॉर्पोरेट और कंसल लाइट कवर मिलने वाला है। और भाई एक चीज तो सबसे बात करूँ स्पेस की, स्पेस आप देख सकते हो कितना स्पेसेबल रहने वाला है भाई, बहुत बढ़िया स्पेसेबल आपको वॉशरूम भी मिल जाता है। अब बात करूंगा एक चीज और दिखाया तो लिविंग में आपको मिलने वाला है यहाँ पे एक वॉश बेसिन, जिससे कितने बढ़िया डिजाइन में हमने एक वॉश बेसिन बना के देगा आपको, गोल्डन बास्केट लगा के दे दिया एक, और यहाँ पे आपको ब्रास की फिटिंग देख सकते हो कितनी बढ़िया करा के दे रखे। मिरर पर बात करूँ पीछे लाइटिंग का वर्क मिल जाता है, यहाँ पे आपको स्पेस भी मिल जाता है हमारा सामान वगैरह रखने के लिए, और नीचे भी आपको स्पेस मिल जाता है, एक तरीके से वैनिटी हमने आपको एक बना के दे रखी है। अब बात करते हैं इसकी थर्ड बेडरूम की, तो ये रहने वाला है इसका लास्ट बेडरूम जो कि थर्ड बेडरूम रहने वाला है, बहुत ही बढ़िया स्पेसेबल बेडरूम मिल जाता है। अब बात करेंगे इधर आपको देखिए पूरे हमें अलमीरा बना के दे रखी है, कुछ भी रखना हो रख सकते हो, मतलब एक तरीके से स्टडी टेबल है ये, अब तो कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। यहाँ पे आपको बुक्स के लिए पूरा प्रॉपर स्पेस दे रखा है, और यहाँ पे आपको बुक्स के लिए स्पेस पूरा दे रखा है, कुछ भी करना हो इजिली बैठ के यहाँ पे पढ़ाई करो मजे से। देखो भाई अलमीरा यहाँ पे आपको मिलने वाली है, वैसे स्पेस की कोई दिक्कत ही नहीं है,
डोर अंदर आपको मिलने वाले हैं, खजाना रखना आप यहाँ सकते हो। बहुत बढ़िया फ्लैट है भाई, बहुत बढ़िया फ्लैट। बात करूँगा वेंटिलेशन के लिए, ऊपर शाफ्ट हमने दे रखी है, विंडो एसी का स्पेस हमने दे रखा है, विंडो एसी ना लगाना हो स्पीड के अंदर, और वायरिंग हमने करा के दे रखी है पॉइंट के साथ। अब बात करूँगा इसकी सीलिंग की, सीलिंग देख सकते हो कितनी बढ़िया सीलिंग आपको मिलने वाली है, कॉर्पोरेट और कंसर्न लाइट का वर्क मिलने वाला है, और यहाँ पे आपको वॉल पेपरिंग वर्क देख सकते हो कितना बढ़िया हमने आपको करा के दे रखा है। तो भाई यही थी मैं 3 BHK फ्लैट की वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, दिए गए नंबर पे कॉल लगाए, विजिट करें, जल्दी जल्दी आए और इस फ्लैट को लेके जाए।